News 18, India. हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मालदा में राहुल गांधी की कार का शीशा टूटा है। अधीर रंजन ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है। मालदा में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी और इस बीच उनकी गाड़ी पर किसी चीज से हमला हुआ और शीशा टूटा है। आशिका जुड़ रही है डिटेल्स के साथ। आशिका, ये कब घटना घटी है? आज बताया जा रहा है मालदा में ही ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों का अलग अलग जगह पर रैली है और यहाँ पीछे गाड़ी के पीछे का कांच पूरी तरह से टूटा हुआ दिख रहा है इन तस्वीरों में। बिल्कुल, और मालदा के हरिश्चंद्रपुर की घटना है जहाँ पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा और उसी से करीब 60-65 किलोमीटर दूर अभी से कुछ मिनट पहले ही ममता बनर्जी की जो सभा थी वो खत्म हुई है आनंद। और अब ये जो तस्वीरें आ रही है, राहुल गांधी के गाड़ी का शीशा टूटा है। अधीर रंजन चौधरी से पूछे जाने पर बिना नाम लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया। हालांकि जो जानकारी मिल रही है वो टीएमसी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि नहीं, डेढ़ बहुत तीन लोगों के धक्का मुक्की की वजह से ये शीशा टूटा है, ना कि टीएमसी का इसके पीछे कोई हाथ है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि असहयोगिता हो रही है, हमें कहीं भी परमिशन नहीं दी जा रही है कार्यक्रम करने के लिए और रोका जा रहा है। जहां भी हम झंडे लगा रहे हैं वहां पर अपने झंडे लगाए जा रहे हैं, वहां पर हमारी जहां पोस्टर्स लगे हैं वहां पर फोटो के बदले फोटो लगाई जा रही है। ये आरोप अधीर रंजन चौधरी का। गाड़ी के पीछे के हिस्से का कांच पूरी तरह से तोड़ा गया है। राहुल गांधी इसी कार में आगे बैठे हुए थे, कोई डिटेल्स है उन्हें? कोई चोट तो नहीं लगी? और गाड़ी में और कौन कौन थे और ये हादसा कहाँ पर हुआ है? क्योंकि राहुल गांधी के साथ तो खुद ही एसपीजी का चलती है, एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भी है उनका। देखिए, मालदा के हरिश्चंद्रपुर की ये घटना बताई जा रही है और पीछे का शीशा बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया है। राहुल गांधी आगे बैठे हुए थे, कुछ कहने से बाहर आए। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने देर नहीं लगाई, वो सामने आकर के उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया। सुरक्षा का घेरा बिल्कुल कड़ा, लेकिन हरिश्चंद्रपुर जहाँ पर ये न्याय यात्रा राहुल गांधी की थी उस इलाके में बताया जा रहा है कि भीड़ बहुत थी जिसके वजह से ये घटना हुई है। अब इसे लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। आपको ये भी बता दें कि कुछ ही मिनटों पहले जब ममता बनर्जी अपना वक्तव्य रख रही थी तो उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस को हम दो सीटें देने को तैयार थे, उनका तो एक भी विधायक यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो और ज्यादा सीटें मांगने लगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीपीएम के साथ जो घर बसाएगा उसके साथ हम किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। तो ये गठबंधन में बड़ी दरार आनंद सामने देखने को मिल रही है। जी, धन्यवाद आशिका।